देखिए, किसी भी फाइटर प्लेन का पायलट हो, वह नॉर्मली बहुत ही एक्टिव और अलर्ट होता है, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती उसकी जान ले सकती है, साथ में प्लेन का नुकसान भी कर सकती है। तो ऐसे में जब कोई फाइटर प्लेन लेकर पायलट बहुत ही हाई एल्टीट्यूड जाता है, तो अगर वह बेहोश हो जाता है तो ऐसे में क्या होता है, बड़े ही काम की जानकारी देंगे। इसलिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब कोई पायलट अपना फाइटर प्लेन लेकर बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पर जाता है, तो ऐसे में उस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रेविटी फोर्स अप्लाई होता है, जिसकी वजह से उसका सारा ब्लड उसके पैरों की तरफ हो जाता है और मस्तिष्क में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, और वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से पायलट बेहोश हो जाता है और अपना कंट्रोल खो देता है। ऐसे में प्लेन नीचे की तरफ गिरने लगता है। कुछ देरी में जब कोई इंडक्शन नहीं मिलता है तो प्लेन ऑटोमेटिक मोड में आ जाता है और ऊपर हाई एल्टीट्यूड पे फिर से उड़ने लगता है।